साथ ही समग्र शिक्षा से प्राप्त सभी मत का राशि को हर वेंडर को एक एक करके भुगतान करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना भी पड़ता है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप सभी दुकानदारों को एक ही बार में एक ही नोटशीट में पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो बताने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए और ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही या कंप्यूटर से ही अपना कोई एक ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर PFMS को सर्च कर लेना है और अपना ऑपरेटर आईडी से मेकर आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मास्टर पर प्रेस करना है। मास्टर पर प्रेस करने पर नीचे यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आता है, बल्क कस्टमाइजेशन। यहाँ पर लंबा प्रेस करके ओपन लिंक टू यूट्यूब, इस पर क्लिक करेंगे और मैनेज पर क्लिक कर देंगे। साथ ही यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर हम सभी दुकानदारों को एक साथ एक मुश्त पेमेंट करने के लिए बल्क कस्टमाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको स्कीम को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में बैंक को चुनेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम अपना कस्टमाइज नेम रखेंगे। इसमें आप अपना ऑफिस का नंबर को या फिर आप अपना स्कूल का नाम को भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप में यहाँ पर कंपोनेंट वाइज को चयन कर लेना है। इतना चयन करने के बाद में अब ये प्रोसेस करने में टाइम लग सकता है, इसका हमको वेट करना है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर सभी वेंडर को पेमेंट करना है। तो आपने जिन जिन वेंडर को ऐड किया हुआ है, जैसे आप वेंडर पर क्लिक करते हैं तो ये सभी वेंडर का लिस्ट यहाँ पर दिखाना शुरू हो जाता है। तो जिनको जिनको आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्कीम कंपोनेंट, इस पर आपको अपने विद्यालय में जिन जिन मद से राशि प्राप्त हुआ है उन सभी मद का नाम को यहाँ पर एंटर करना है। तो माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला के स्तर पर यहाँ पर SMC और SMDC ट्रेनिंग, उसके बाद में स्कूल ग्रांट और मोबाइल और कम्युनिकेशन, उसके बाद में शाला सुरक्षा, उसके बाद में इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको आप अपने CSE से या फिर विकासखंड से इसका जो कोड है उस कोड को प्राप्त करके बड़ी ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जितना भी हमको स्कीम से इस स्कूल को लाभ मिला हुआ है उसको हमने यहाँ पर चयन कर लिया है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर पेमेंट मोड पर क्लिक करना है। पेमेंट मोड पर ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस, इस पर क्लिक करके हमको अगले स्टेप में इसको सेव कर देना है। इसको हम जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारा बल्क कस्टमाइजेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब हम किसी भी दुकानदार को थोक में पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार से आप अपना मोबाइल फ़ोन से भी बल्क कस्टमाइजेशन को इनेबल करके सभी दुकानदारों को एक साथ PFMS के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।